नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ हैं विज्ञान कक्षा 10 धातु एवं अधातु चैप्टर 3 के साथ। तो शुरू करते हैं तत्वों और उनके गुणधर्मों के आधार पर। पहला पॉइंट है तत्वों और उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु, यानी तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है, धातु और अधातु। अब पहले धातु के उदाहरण देख लीजिए, आयरन, एल्यूमिनियम, चांदी, कॉपर, ये सब धातुएं हैं। इसके बाद अधातु के उदाहरण देख लीजिए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सभी अधातु के उदाहरण हैं। अगला पॉइंट, इनके भौतिक गुणधर्म देखिए भाई। इनके भौतिक गुणधर्म में आप देखते हैं कि गुणधर्म धात्विक चमक, धातुओं की सतह चमकदार होती है और अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, ये पॉइंट स्टार लगा लीजिए ऐसे करके इस पर, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अपवाद जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। दूसरा है कठोरता, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं लेकिन लिथियम, सोडियम और पोटेशियम मुलायम होते हैं, इनको चाकू से काटा जा सकता है। कई बार कंपिटेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि चाकू से काटी जाने वाली या काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है, और चार ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से एक ऑप्शन चार में से कोई लिथियम दिया होगा या सोडियम या पोटेशियम दिया होता है। कार्बन ए, ये अधिक कठोर नहीं होते हैं। कार्बन का एक अपर रूप हीरा जो सबसे कठोर है, पूछा जाएगा कि सबसे कठोर अधातु का नाम बताइए या सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ का नाम बताइए, तो हीरा है जो कार्बन का अपर रूप है। कार्बन के तीन अपर रूप होते हैं, उन्हीं में से एक हीरा है। पिछले चैप्टर में है सर, पिछले में नहीं, अगले चैप्टर में बताएंगे आपको हम। चलते हैं अब रूप, रूप में देखिए, धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं लेकिन मरकरी, केवल मरकरी को छोड़कर ये कमरे के ताप पर द्रव होता है, ये भी अपवाद है, ध्यान रखें। अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं केवल ब्रोमीन को छोड़कर। ब्रोमीन कमरे के ताप पर यानी सामान्य ताप पर कैसी होती है, तरल अवस्था में होती है, अन्यथा ये क्या होती हैं, ठोस या गैस में होंगी, तरल में नहीं होंगी, लेकिन ये ब्रोमीन भी अपवाद है। आघातवर्धता, आघातवर्धता होता है उस पर चोट पहुंचाना। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, अधातुएँ आघातवर्धनी नहीं होती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये तो इनके रहे गुणधर्म। आगे अगला गुणधर्म है तन्यता, तन्यता धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, अधातुएं तन नहीं होती हैं। विद्युत ऊष्मा का चालक, सामान्य धातुएं विद्युत ऊष्मा की कुचालक सुचालक होती हैं जबकि अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा, ये पॉइंट बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं जो अपवाद होते हैं, जैसे ये अपवाद है ग्रेफाइट सुचालक है, तो ग्रेफाइट ऊष्मा की सुचालक है, बाकी सभी अधातुएं कुचालक होती हैं। और इसमें सभी धातुएं सुचालक होती हैं, ओनली दो धातुएं हैं सीसा और मरकरी, ये कुचालक होती हैं। अगला पॉइंट देखिए घनत्व, सामान्यतः अधिक घनत्व, सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक धातुओं में होता है। सोडियम और पोटेशियम का घनत्व और गलनांक दोनों कम होते हैं और अधातुओं का घनत्व व गलनांक कम होते हैं। अगला है ध्वनिक, धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती हैं, अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्साइड, अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, और अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे SO2 ये अम्ल हो गया। तो ये रहे धातुओं के गुणधर्म। अब धातुओं के भौतिक गुणधर्म आपने देख लिए हैं लेकिन परिभाषा नहीं दी गई है। देखिए धातु क्या होती है, सुन लीजिए,
धातुएं वे हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता रखती हैं, और अधातुएं वे हैं जो ऋणायन बनाने की क्षमता रखती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। वायु के साथ अपक्रिया, अगर किसी धातु की हम वायु के साथ अपक्रिया करेंगे तो क्या होगा, धातु ऑक्साइड बनेगा। धातु और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी वायु है तो धातु ऑक्साइड बनेगा। जैसे कॉपर की अपक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, एल्यूमिनियम की तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम की तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक की तो जिंक ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम, ये दो पॉइंट इनको नोट करिएगा इम्पॉर्टेंट। सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें कैरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है MgAlJnPb, यानी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और सीसा, लेड। वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं, ये धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। देखा होगा आपने मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक पर कभी पर चढ़ी हुई नमी की उपस्थिति में वायु के साथ क्रिया करके पर चढ़ा लेते हैं। अगला है, आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन ज्वाला में लौह चूर्ण डालने पर तेजी से जलने लगता है। अगला है, Cu भी प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, Ag यानी चांदी और सोना दोनों ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये मुक्त अवस्था में होते हैं, क्रिया नहीं करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं, लवण और जल उत्पन्न करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे Al2O3, Al2O3 प्लस, ये अम्ल से क्रिया कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो TuAlCl और जल बनता है। दूसरा है Al2O3, ये क्षार से भी क्रिया कर रहा है, NaOH एक क्षार है और यहाँ भी जल बन रहा है, एल्यूमिनियम सिलिकेट बन रहा है, तो ये दोनों से क्रिया कर सकता है जल के साथ। अब क्रिया देखिए, धातु और जल, धातु ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है। अब जरा इस चार्ट के माध्यम से हम देख लेते हैं। एक अभिक्रिया और है, धातुएं जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं, और धातु ऑक्साइड जब जल से क्रिया करेगा तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। आगे देखिए, इसमें पूरा स्क्रीन पे आ नहीं रहा, दोबारा में देख लीजिए। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये ठंडे जल के साथ क्रियाशील हैं। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक केवल धातु की भाप से, केवल जल की भाप से क्रिया करते हैं, और मैग्नीशियम केवल गर्म जल से क्रिया करता है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट देखिए, जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है सीसा, यानी कॉपर, Cu, Au और Ag। Au और Ag ये तो अभी पढ़ चुके हैं आपसे, वायु से भी क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन जल से ये सीसा कॉपर और हैं, सीसा कॉपर और ये Ag, Au ये क्रिया नहीं करते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ, कैल्शियम मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं, इसलिए ये तैरने लगते हैं। ये इधर इनके जो हैं रिएक्शंस दी हुई हैं, ये सोडियम है जल से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 और उष्मा उत्पन्न करते हैं। कैल्शियम जल से क्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन देता है। मैग्नीशियम जल से क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्स, तो ये सारी चीज़ें जो हैं रिएक्शनें दी हुई हैं। चलिए, धातुओं की तनु अम्ल से क्रिया, जब तनु अम्ल से क्रिया करती हैं धातुएं तो धातु प्लस तन अम्ल बराबर लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये इधर इसके रिएक्शन दिए हुए हैं नीचे। अगला पॉइंट, धातुओं के अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया, धातु
और धातु लवण विलयन, धातु का है और लवण विलयन खा है, तो क्या बनेगा? लवण विलयन का प्लस धातु खा, मतलब कुछ अपक्रिया, अधिक अपक्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देती हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी धातु जो अधिक क्रियाशील है वो अपने से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देगा। यहाँ इसका कोई रिएक्शन दिया होगा तो आपको हम दिखा रहे हैं। चलिए नहीं दिया है, ये सूची देख लीजिए, फिर भी दिखा रहे हैं। वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, तो ये है सबसे ऊपर इसमें होता है पोटेशियम के, और सबसे नीचे होता है सीसा पीवी। घटती हुई क्रियाशीलता के रूप में लिखा, पीवी तो नहीं होता है भाई, गलत ही है क्या? अच्छा आगे देखें, हाँ एयू, सोना सबसे नीचे होता है, ठीक है। ये अब ये सही, आधी रिएक्शन आधी देख रहे थे इसीलिए हम कह रहे थे क्या है। तो ये अब क्रियाशीलता के घटते, सबसे अधिक क्रियाशील आपसे पूछ दे कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो कौन सी है? सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है, और सबसे कम क्रियाशील धातु एयू है। ये मुक्त अवस्था में प्रकृति में पड़ी हुई धातुओं की अधातुओं के साथ अपक्रिया, तत्वों की अपक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जाती है। धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। अन्य धातुएं के परमाणु संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन घटकर ऋणायन बनाते हैं। अधातुओं के, सॉरी, अन्य अधातुओं के परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन घट करके, अभी इसको हम बता चुके हैं आपको। तो अब देखिए, ये सोडियम है, इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, अक्रिय विन्यास प्राप्त कर लेगा, और क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, ये तो नहीं छोड़ेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इसकी बाहरी कक्षा में 8 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ये धातु हो गई, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती है, एक इलेक्ट्रॉन इसने ये त्याग दिया और यहाँ पर धनायन बना लिया, तो ये धातु है सोडियम, और इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, 8 की है 7 की, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर इसमें 8 हो गए, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, ऋणायन बनाया, ऋणायन बनाया तो ये अधातु हो गई। और ग्रहण जो करेगा, अगर आप किसी से कोई चीज़ लेंगे तो आप ऋणी हो जाएंगे, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, ये ऋणी हो गया, तो ऋणायन बना रहा, ये यहाँ दे रहा है तो धनी है, ये धनवान धनायन बना रहा है। आगे देखिए, आयनिक यौगिक विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। मतलब समझ लीजिए कि जिन यौगिकों के जिन तत्व सॉरी जिन आयनों पर धनावेश होता है वो ऋणावेशित आयनों से जुड़ेंगे, और जिन पर ऋणावेश होता है वो धनावेशित आयनों से जुड़ेंगे। और आयनिक यौगिकों के भौतिक गुण धर्म देखिए भाई, ये लिखे हुए हैं, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा कि ये ठोस कुछ कठोर होते हैं तथा कुछ भंगुर होते हैं। गलनांक क्वथनांक, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। और घुलनशीलता, आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील व कैरोसिन पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। विद्युत चालकता, आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप से विद्युत का चालन करते हैं और ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। आगे धातुओं की प्रवृत्ति, धात्विक, इसको समझ पाए हो नहीं समझ पाए हो इस वाले पॉइंट को, कि जो आयनिक यौगिक हैं जब वो ठोस रूप में होते हैं, जैसे सोडियम ठोस रूप में है तो विद्युत का चालन नहीं करता है, लेकिन सोडियम के आयन जब जल में घुले होते हैं तो ये विद्युत का चालन करेंगे। धातुओं के प्राप्त तत्व, खनिज, खनिज क्या है? पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, तांबा, ये प्राकृतिक रूप से उपस्थित हैं, जिनको ना कोई परिवर्तन किया गया ना जिनको शुद्ध किया गया, तो उनको हम खनिज कहेंगे जो हमें पृथ्वी में मिलते हैं प्राकृतिक रूप से। अब आगे देखिए, ये खनिज से आगे क्या क्या बदलता है? अयस्क कौन से हैं? वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उन्हें निकलना लाभकारी होता है, अयस्क कहलाते हैं। ऐसे खनिज जिनमें अधिक मात्रा में धातु होती है
और आसानी से उसको कम खर्चे से अलग किया जा सकता है, तो उनको हम एस्क कहते हैं। सक्रियता श्रेणी से संबंधित धातु कर्म, पहले तो आपको सक्रियता श्रेणी हम पढ़ा दिखा चुके हैं अभी, लेकिन एक बार फिर सुन लीजिए कि तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में सजाने पर या रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो ये हो गई सक्रियता श्रेणी। इसमें कुछ चीज़ें याद रखने वाली हैं कि इन पांच तत्वों को याद रखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अब कैसे, सबके लास्ट में यम याद रखिए, पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सबके धातु सबके लास्ट में यम वाले कैसे हैं, अधिक क्रियाशील हैं। इनको याद, ये तो याद हो गए होंगे अब आपको। दूसरा मध्य क्रियाशील, इसमें कौन है, जिंक है, लोहा है, सीसा है, तांबा है, मरकरी है। ये पांच ऊपर थे, पांच ये हैं, 10 तत्व तो ये हो गए, ये मध्यम क्रियाशील हैं। और सबसे कम क्रियाशील कौन से हैं, ए जी और ए यू, यानी चांदी और सोना, ये सबसे कम क्रियाशील हैं। प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, इसीलिए आभूषण सोने के बनाए जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट, धातुओं का निष्कर्षण, धातु से अयस्क प्राप्त करना। जब भी कोई खनिज निकाला हमने और उस खनिज के अयस्क बताया है कि वे खनिज जिनको आसानी से धातुएं निकाली जाती हैं अयस्क कहलाते हैं, और जिन अयस्कों से हम धातु को प्राप्त करते हैं, सॉरी, जब अयस्कों से हम धातु को प्राप्त करते हैं तो ये प्रोसेस धातुओं का निष्कर्षण कहलाता है। इसके तीन चरण हैं, पहले धातुओं का अयस्कों का समृद्धिकरण, फिर धातुओं का निष्कर्षण और धातुओं का परिष्करण। एक एक करके समझते हैं। अयस्क का सांद्रण, उच्च क्रियाशील धातुएं गलित धातु या विद्युत अपघटन से निकालते हैं। मध्यम क्रियाशील धातुएं जैसे सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, और निम्न क्रियाशील धातुएं सल्फाइड अयस्क, इनको क्या सिनेबार, सीमित वायु, इन प्रोसेस को हम आगे बता रहे हैं अभी, पहले इनको समझ लीजिए। गैंग क्या होता है, जो भी हमने अयस्क से अशुद्धियाँ निकाली हैं उन्हीं को हम गैंग कहा जाता है। खनिज अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी शुद्धियाँ पाई जाती हैं जिन्हें गैंग कहा जाता है। और भरजन क्या है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को हम भरजन कहते हैं। उदाहरण नीचे दिया है तापन का, देखिए, सॉरी तापन का नहीं, ये ZN और 3O2, ये कौन से क्रिया हो गई, अभी आपने पढ़ा है भरजन, इसके आगे कौन से क्रिया पड़ी, सल्फाइड एस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म कर, वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को भरजन कहते हैं। देखिए सल्फाइड एस्क HGS, इसको गर्म किया तो ये जो है ऑक्साइड में बदल गया। अगला है निस्तापन, निस्तापन कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से ये ऑक्साइड में बदल जाता है, इस क्रिया को निस्तापन कहा जाता है। जिंक कार्बोनेट है तो इसको कार्बोनेट अयस्क कहा जाता है, ताप दे दिया इसको, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आगे अपचयन, धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जा सकती है, ZnO इसका अपचयन कर दिया तो हमें जिंक धातु प्राप्त हो गई। धातुओं का परिष्करण, धातुओं के अपद्रव्य को हटाने तथा उससे उपयोगी विधि द्वारा अपघटनी परिष्करण, धातुओं के से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनी विधि, विद्युत अपघटनी परिष्करण है। इसमें क्या होता है, एक पात्र होता है और इस पात्र में क्या किया जाता है, इस पात्र में, एक मिनट स्क्रीन पे आ नहीं रहा है भाई, चलिए इसमें क्या है,
ये दो जो हैं सीयू की छड़ें पड़ी हुई हैं, कैथोड एक छड़ है, एक एनोड की छड़ है, इसमें CuSO4 का विलयन भरा हुआ है, टैंक है, और जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो जो अपद्रव्य होते हैं वो अलग से ये छटके ये इकट्ठे हो गए तली में, और इसको विद्युत अपघटनी परिष्कर्ण कहते हैं। अब इसमें एनोड पर अशुद्ध तांबा और कैथोड पर शुद्ध तांबा जमा होता है, बेलियम CuSO4 और तन सल्फ्यूरिक अम्ल कुछ मात्रा में। विद्युत अपघट्ट से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जो पात्र में विद्युत अपघट्ट भरा था, विद्युत अपघट्ट में जब विद्युत धारा प्रवाह, ये जो पात्र बना था हमारा इस तरीके से, इसमें दो छड़ें पड़ी हुई थी, एक है एनोड और एक है सॉरी एक एनोड का कार्य करती है, एक कैथोड का कार्य सॉरी एक एनोड का कार्य करती है, एक कैथोड का कार्य करती है। इसमें क्या हुआ था, जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो एनोड पर शुद्ध धातु विद्युत अपघट्ट में घुल जाती है, उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघट्ट से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है, अविलीय अशुद्धियों को एनोड तली पर निक्षेपित होती हैं, जिन्हें एनोड पंख कहते हैं। अब दोबारा फिर देख लीजिए, ये एक तरफ शुद्ध धातु इकट्ठी हुई, एक तरफ अशुद्ध धातु, और जो किसी में नहीं अविलेय हैं वो यहाँ एनोड पंख के रूप में यहाँ पर उपस्थित हो गई, ये वाली दिख रही हैं। आगे देखिए, संक्षारण, जब भी किसी धातु में जंग लग जाती है वो संक्षारण होता है, जैसे धातुएं अपने आसपास अम्ल आर्द्रता में वायु आदि से संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती हैं, इसे हम संक्षारण कहते हैं। सिल्वर कैसे संक्षारित होती है, वायु की उपस्थिति में सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण वस्तु तो काली पड़ जाती है, चांदी की वस्तुएं आपने देखी होंगी काली हो जाती हैं। कॉपर, कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। लोहा, ये तो सबने देखा होगा, लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। संक्षारण से सुरक्षा, पेंट लगा करके, पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, इसे लेपन करके, या क्रोमियन लेपन द्वारा, एनोडिकड़ या मिश्र धातु बना करके। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यसद लेपन क्या होता है, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, इसे यसद लेपन प्रक्रम कहा जाता है। अगला है मिश्रातु या मिश्र धातु। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण होते हैं, ये क्वेश्चन विकल्प में पूछा जा चुका है कि मिश्र धातु कैसे हैं, समांगी मिश्रण हैं कि विषमांगी मिश्रण हैं। अब ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि इस्पात किसका मिश्रण है, एक मिनट भाई स्क्रीन नहीं रुक रही है, इस्पात लोहा और लोहा निकेल और क्रोमियम का मिश्रण है, पीतल कापर और तांबा कापर और जिंक का है, कांसा कापर और टिन का है, सोल्डर लेड और टिन का है, अमलगम मरकरी और अन्य तत्वों का है। चलिए, ये रहा आपका चैप्टर 3, मिलते हैं किसी अगले चैप्टर में आपको फिर।